लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं काउंसलिंग एडवाइजर भारत सरकार हाजी मोहम्मद शिराज कुरैशी ने रविवार सुबह अध्ययनशाला के तत्वाधान में राष्ट्रीय नागरिकता कानून पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि मुस्लिम भाइयों को गैर जिम्मेदाराना ढंग से कानून के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। यह कानून भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है, यह कानून उन लोगों के लिए है जो अवैधानिक तरीके से देश में प्रवेश कर गए हैं। हम इस कानून के तहत तक गहराई में जाएं और उस तथ्यपूर्वक कानून का आकलन करें ताकि कानून के सभी पहलुओं से अवगत हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मेरा नाम हाजी शिराज कुरैशी है, मैं व्यवसाय से अधिवक्ता हूं, पेशे से अधिवक्ता हूं। और आज जो हमने इस कार्यक्रम को रखा हुआ है, जो मुझे इस विषय पर बुलाया गया है, विषय है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019। क्योंकि इस नागरिक संशोधन अधिनियम पे पूरे देश में गफलत का माहौल पैदा किया जा रहा है और उसको कहीं ना कहीं से ही वो ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि उसमें ये लग रहा है कि ये देश के मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। जबकि वस्तुतः स्थिति, मैं समझता हूँ, एक अधिवक्ता होने के नाते समझता हूँ कि ये कानून बिल्कुल ही देश के समर्थन में है, देश के नागरिकों के समर्थन में है, देश की सुरक्षा के समर्थन में है, इवन दो देश की जो आध्यात्म है उसके भी समर्थन में है। जैसे सीए को बोला जा रहा है कि मुसलमानों के विपरीत है, खासतौर पर मुस्लिम समाज इससे आहत हो रहा है। पूरे देश में आप देख रहे हैं शाहीनबाग हो रहा है और जगहों पर एहसास हो रहे हैं, उसकी मुखालफत हो रही है इस कानून की। परंतु मैं खुद एक मुसलमान होते हुए इस कानून का समर्थन करता हूँ और पुरजोर समर्थन करता हूँ। पुरजोर समर्थन क्यों करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इस कानून से भारत के मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होने वाला, इवन भारत के किसी भी शहरी का नुकसान नहीं हो रहा, चाहे वो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई भी हमारा भाई हो, इस कानून से वो जद में ही नहीं आ रहा है, उसकी हदों में ही नहीं है वो। क्यों? क्योंकि जब आप इस कानून को देखेंगे, उसका पॉइंट टू देखेंगे अभी, तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये उन लोगों के लिए बनाया गया कानून है जो 31 दिसंबर 2014 से तक या उससे पूर्व भारत में प्रवेश कर गए हैं। तो हम लोगों ने तो प्रवेश किया नहीं है, जो यहाँ वो तो यहीं के जन्मजात नागरिक हैं, भारत के ही हम लोग बाशिंदे हैं, कोई भी हो वो, तो उसको तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ये मात्र उन लोगों के लिए जो 2014 से पहले या उस तक भारत में प्रवेश किए हैं दूसरे देशों से। दूसरे भी देशों में कौन से, केवल तीन देशों का जिक्र है उसमें, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का। तो उन लोगों को अगर हम शरणार्थी के रूप में वो भारत में रह रहे हैं या अवैध रूप से भी रह रहे हैं, तो हम उनको नागरिकता यहाँ की दे रहे हैं या यहाँ पे उनको इलीगल इमिग्रेंट्स का जो दर्जा है वो ख़त्म कर रहे हैं। आप उसको कानून को जो पढ़ेंगे तो इलीगल इमिग्रेंट्स का दर्जा ख़त्म किया है, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी किसी भी देश का नागरिक, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो दूसरे धर्मों का है, वो भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई उसमें बंदिश नहीं है। इवन पाकिस्तान का भी कर सकता है। जो ये गलत फहमी फैलाई जा रही है, मैं उसको ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान का भी नागरिक अगर आज चाहे कि भारत में उसको नागरिकता चाहिए, तो उसके लिए दरवाजे बंद नहीं है भारत में। उसको समझने की कोशिश है, सो कोशिश करनी पड़ेगी। जो एक गुमराह किया जा रहा है खासतौर पर मुस्लिम समाज को कि आप किसी भी देश का मुसलमान भारत में अब नहीं आ सकता है या भारत के मुसलमानों को आप बाहर निकालोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम माशाल्लाह हिंदुस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि ये कहते हुए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। देखिए मैं एक हाजी शिराज कुरैशी आप लोगों से अपील करता हूँ, अपने सभी मुस्लिम भाइयों से खासतौर पे अपील करता हूँ, पूरे देश के मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि ये जो कानून बना है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, जिसे शॉर्टकट में CAA के नाम से जानते हैं, मशहूर किया गया है, ये कानून बहुत ही अच्छा कानून है और हम इसकी तायद करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। और ये भी खुले अल्फाजों में बताना चाहते हैं कि इस कानून से भारत के किसी भी मुसलमान को डरने की आवश्यकता नहीं है और ये भारत के किसी भी मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं है। इवन मुसलमान क्या, सभी नागरिकों का, किसी भी नागरिक के ख़िलाफ़ नहीं है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, कोई भी भाई हो, उसके ख़िलाफ़ नहीं है। आप इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए, आपकी इस कानून से नागरिकता जाने वाली नहीं है। ये भी मैं बड़े खुले अल्फाजों में बता रहा हूँ, मुसलमान की खासतौर पर, वैसे तो किसी की नहीं जा रही, खासतौर पर मुसलमान के लिए बात कर रहा हूँ। जो आपको भड़काया जा रहा है, जो आपको गलत बयानी की जा रही है कि आपको ये कागज़ दिखाए जाने पड़ेंगे, आपको इससे निकाल दिया जाएगा, 70 के 80 के जो
अल्लाह जाने कौन कौन से कागज़ के बारे में जो चर्चाएँ चल रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं। मैं बड़े मौतमाना ढंग से आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इन अफवाहों में ना पढ़ें और CA कानून बहुत अच्छा कानून है, इसको समझें, पढ़ें, और ये हमारे भारत देश के लिए बहुत ही मुफीद कानून है, अच्छा है, और इससे किसी भी मुसलमान को इंशाल्लाह ताला कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हम सब हिंदुस्तान के ही नागरिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जय हिंद। देखिए, मैं बड़ा अफसोस होता है मुझे ये सुनते हुए कि कोई राज्य सरकार अपने विधानसभा में ये बिल पारित करती है, ये प्रस्ताव पारित करती है कि भाई हम इस कानून को नहीं मानेंगे, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 को हम नहीं मानेंगे। ये पॉसिबल है? मैं एक वकील के हैसियत से पूछता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? उन सरकारों से पूछता हूँ, आपके माननीय चैनल के माध्यम से ही पूछता हूँ, क्या ये पॉसिबल है कानूनी रूप से? देखिए, दो तरह के कानून होते हैं, उसको मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। एक केंद्रीय कानून होता है और एक आपका स्थानीय कानून होता है, यानी राज्यों का कानून होता है। राज्यों का जो कानून होता है वो राज्य के ऊपर निर्भर करता है, वो उसको माने या ना माने, परंतु जब केंद्रीय कानून होता है तो उसको सभी सरकारों को मानना पड़ता है, पूरे भारत में लागू होता है वो। और ये जो कानून है CAA, इसको राज्य के लिए नहीं बनाया गया, ये कानून पूरे देश में लागू होना पड़ेगा, क्योंकि ये केंद्रीय कानून है, इसमें किसी भी सरकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। मैं, आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा पूछा, एक इसमें ऐड कर देता हूँ, अभी केरल की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया अपने विधानसभा में, और उसको के ऊपर बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगाया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में उनका एक सिविल सूट लगा हुआ है, उसमें इस कानून के खिलाफ में उनने अपनी अर्जी डाली है कि इस कानून को रद्द कर दें। ठीक है, हम वहाँ पे उसकी कोई आपत्ति नहीं, देखिए कानून में जा सकते हैं, इस बात पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, और उस पर हमने एक पिटीशन डाली है जिसमें डॉक्टर इमरान चौधरी साहब उसके पिटीशनर हैं और मैं खुद उसका वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में ही, हमने इंटरवेंशन डाली है उस पिटीशन के खिलाफ, यानी केरल सरकार के उस फैसले के खिलाफ, उस याचिका के खिलाफ हम लोगों ने एक पिटीशन डाली है, बींग द मुस्लिम पिटीशन डाली है कि हम इस कानून का समर्थन करते हैं, और जो केरल सरकार ने फैसला लिया है वो गलत लिया है और उसको हक नहीं है फैसला लेने का, क्योंकि भारत की संसद ने इसको बहुमत से पारित किया हुआ कानून है और हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।